अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर अहमद है और आज हम देखेंगे कि बेसिकली अगर आप यूएई में या सऊदी मिडिल ईस्ट वाली साइड में अगर कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं प्राइवेट लेवल, तो उसका क्राइटेरिया क्या है और उसका सारा प्रोसीजर वो हम देखेंगे आज। ओके, सो सबसे पहले आपने उसकी प्राइस चेक करनी है। प्राइस लिमिट जो होनी चाहिए ना प्रोडक्ट की आपकी, वो 100 से लेस होनी चाहिए, 100 AED के तो उससे कम होनी चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका मिनिमम 25% होना चाहिए, मिनिमम 30 के अबव होना चाहिए। एक परफेक्ट अगर आप कहते हैं तो 30 से अबव होना चाहिए। फिर प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं हमारे पास, तो प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो हैं वो 200 से लेस होने चाहिए टॉप 10 लिस्टिंग के। तो डेली सेल्स हैं तो डेली सेल्स पर हमारी मिनिमम 7 यूनिट्स होनी चाहिए। और हमें डेली क्योंकि एक हमें एक्यूरेट थोड़ा आइडिया नहीं मिलता सेल्स का, तो हम 999 मेथड यूज़ करेंगे सेल्स को ट्राई करने के लिए। तो 999 मेथड को भी हम आगे जाकर देखते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। जो लिस्टिंग है और BSR है, तो BSR जो है वो 300 से लेस होना चाहिए मेन कैटेगरी का। और एटलीस्ट जो है ना 2 सेलर्स हैं और विद इन दिस रेंज। तो और रिव्यू रेटिंग जो है वो आपकी 3.5 के एटलीस्ट 3.5 में होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। और प्रोडक्ट अगर ब्रांड डोमिनेंस ही है तो आप वैसे ऐसी ही कैटेगरी में जाने से कोई इग्नोर करें। और ऐसी ऑब्वियसली अमेजोन जहाँ पर है, तो उस कैटेगरी को भी आपने, उस नीश को भी आपने इग्नोर करना है। तो टाइप प्रोडक्ट की वेरिएशन जो हैं, तो यहाँ टाइप है जो वो आपने ब्रेकेबल फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स है ना, वो आपने इग्नोर करनी है, वो किसी भी मार्केट प्लेस के लिए आपको इग्नोर करनी चाहिए। और वेरिएशन है वो 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, जैसे कलर है या फिर साइज़ है, जैसे भी जोन से भी वेरिएशन है वो 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो वेट है प्रोडक्ट का वो 2 kg से लेस होना चाहिए। और FBA सेलर्स होने चाहिए उस नीश में, ये बात आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है। और सर्च वॉल्यूम जो है वो टॉप 10 कीवर्ड्स का वो 10K से अबव होना चाहिए। और US मार्केट में आपने ये चेक करना है, US मार्केट में 10K से ज़्यादा होना चाहिए टॉप 10 की 3 कीवर्ड्स। और जो प्रोडक्ट रेलिवेंसी है वो मोर देन 50% होना चाहिए। तो ये रेलिवेंसी भी आप कीवर्ड्स के साथ आप चेक करते हो। तो आइए उसका थोड़ा प्रैक्टिकल चेक कर लेते हैं। तो ओके, तो हम amazon.ae में आ गए हैं, ये दुबई के ई डोमेन है। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर हमने चेक किया कि पेंट पेन्स। ओके, तो ये कलर्स की कुछ एक एग्जांपल है यहाँ पर हमने चेक किया है। तो पेंट पेन्स जो हैं उनको सर्च किया हमने। सर्च करने के बाद ये हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स में कुछ आप चेक कैटेगरी चेक कर सकते हो। तो और प्रोडक्ट हंटिंग ये बेसिकली अभी आप कर रहे हो, आपने कुछ फिल्टर्स आप लगा सकते हैं, फुलफिल्ड बाय अमेज़न को चेक करना है या फिर अनचेक कर दें आप उसके, सॉरी फुलफिल्ड बाय अमेज़न तो FBA को आपको चाहिए सेल प्रोडक्ट्स जो फिल्ड बाय अमेज़न हो रही हैं। उसके बाद आप जो हैं रेटिंग्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 एंड अप होनी चाहिए, वो आपने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने प्राइस सेट कर लिया, 10 AED से 100 AED के दरमियान होनी चाहिए। और आपने गो पर क्लिक करना है, तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जो ये आपके फिल्टर्स पे के मुताबिक होंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको बेस्ट सेलर शो हो रहा है, तो ये 2 बेस्ट सेलर्स हैं। तो और इसकी प्राइस भी कम है, और तो इसको चेक कर लेते हैं। तो पेन कलरिंग पेन्स आई हैं हमारे पास, कलरिंग पेन्स हैं। अब इनके पास हमने यहाँ से इसकी प्रोडक्ट की हम रिसर्च की, तो इस प्रोडक्ट की रिसर्च में हम यहाँ पर OS एड ऑन है, ये क्रोम एक्सटेंशन है जो बेसिकली आपको आपके कंपेटिटर का एक स्टॉक लेवल बताता है। स्टॉक लेवल यहाँ पर शो नहीं हो रहा आपको, 460 समथिंग यहाँ पर है। एक्सेल फाइल आपने क्रिएट करनी है अपने पास, जिसमें सारी आप इंफॉर्मेशन ऐड अप कर लोगे और रोज़ उसका स्टॉक लेवल अपडेट करते रहोगे, ताकि ये 999 मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपको हर एक ईयर। रोज़ आप मैनुअली चेक करोगे कि कितनी अपडेट्स आपके पास, सॉरी कितना स्टॉक उनका डेली डिक्रीज हो रहा है, उसका मतलब कितनी सेल्स उनकी डेली हो रही हैं। तो यहाँ पर आपने चेक कर लिया, प्रोडक्ट नंबर 1 है, एसिन है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का नेम है, तो यहाँ पर क्या नेम था उसका,
बुलेट जर्नल 60 पीस कलरिंग पेन, तो ये वो नेम है यहाँ पर। और डेट है हमने रोज़, क्योंकि स्टॉक चेक करना मॉनिटर करना है, तो ये हमारे पास उसकी रोज़ की हमारे पास डेट होगी। स्टॉक लेवल सबसे पहले, जो सबसे पहले दिन का स्टॉक लेवल था वो 464 था, फिर दूसरे दिन 460 हो गया, फिर थर्ड डे में 430 है, मीनिंग नेक्स्ट डे हमने जब चेक किया तो उसकी 4 सेल्स थी। उसके बाद जब नेक्स्ट डे में चेक किया तो उसकी 30 सेल्स हो गई थी। उसके बाद अगले दिन चेक किया तो 30 सेल्स मजीद हो गई उस प्रोडक्ट की। तो ये इस तरह आपने रोज़ चेक करता है। और उसका BSR है वो आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। BSR आप कैसे करते हैं, स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो प्रोडक्ट डिटेल्स में आपके पास वो आ जाएगा। लेट मी शो यू। ओके, ये BSR है जो हमारे पास आप प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में, सॉरी, आपको डिस्प्ले होता है, तो यहाँ से आपने उसको कॉपी करके ऐड कर लेना है। ओके, तो 999 मेथड है। 999 मेथड का हमने पहले भी कर लिया था। 999 मेथड में हमने सिंपली क्या करना है, ऐड टू कार्ट कर लेना उसको। ऐड टू कार्ट, ये यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेना अपने बाय बॉक्स में से। बाय बॉक्स में से ऐड टू कार्ट करेंगे तो एडिट एडिट टू कार्ट हो जाएगा आपके पास। कार्ट को पर क्लिक करेंगे आप, क्योंकि ये 999 मेथड है। ओके, सो यहाँ पर 1 होगा तो आपने उसको क्रॉस करके 999 यहाँ पर ऐड करना है। और अपडेट क्या होता है कि आप उनका जो स्टॉक लेवल होता है ना, वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है कि दिस सेलर ओनली हैज़ 464 ऑफ दीज आइटम्स अवेलेबल। तो ये आपके पास उसका स्टॉक लेवल आ गया, तो इसे आपको नोट डाउन कर सकते हो। उसका BSR आपने नोट डाउन कर लिया, उसकी जो रेटिंग है वो 4.3 है, वो आपने नोट डाउन कर ली। ओके, सो रिव्यूज़ आप कुछ पढ़ लें, रिव्यूज़ एनालिसिस उसका कर सकते हैं आप, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा उसकी सेल्स का। और कीवर्ड्स आपने उसके टाइटल में से कीवर्ड्स निकालने हैं, तो मेन कीवर्ड कलरिंग पेन्स है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि मेन कीवर्ड है, तो ये उनकी रेलिवेंसी से होता है कि अगर आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो और मैक्सिमम जो मैक्सिमम फर्स्ट पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स है ना, वो सेम वही प्रोडक्ट्स आती हैं, तो वो आपका मेन कीवर्ड होता है। और अगर आप कोई कीवर्ड टाइप करते हो तो कुछ प्रोडक्ट्स उसके रिलेटेड होती हैं और कुछ कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, वो फिर आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स हो जाते हैं, वो मेन कीवर्ड्स नहीं होते। सो कलरिंग पेन पे जब आपने क्लिक किया तो ये मैक्सिमम स्क्रॉल डाउन करके हमने देखा कि मैक्सिमम यही पेन है हमारे पास, मार्कर शो, ये फिर मेन कीवर्ड हो गया हमारा। उसके बाद हम करते हैं ब्रश पेन आर्ट्स मेकर, आर्ट मेकर्स, तो ये रेलिवेंट कीवर्ड है। तो वाटर कलर ड्राइंग पेन है, तो ये अगेन रेलिवेंट कीवर्ड है हमारा। फिर ओके, सो आपने सोर्सिंग भी करनी है इस प्रोडक्ट की, तो आपने कैसे करनी है कि आप कीवर्ड भी से भी कर सकते हो, और उसके बाद आप इमेज से भी सर्च कर सकते हो। वो अलीबाबा से आपको बताते हैं कैसे। ओके, सो कभी भी आपने मेन इमेज को कॉपी करके सेंड नहीं करना सप्लायर को, आपने सेकंड या थर्ड इस तरह की कोई पिक्चर आपने अपलोड करनी है, तो उसको कॉपी कर लिए, सेव इमेज कर लिया हमने। ओके, सो ये है कैमरा पर, alibaba.com पर आएंगे और यहाँ पर कैमरा पर क्लिक करेंगे ना, सर्च बाय इमेज आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, तो वो इमेज आप यहाँ पर अपलोड करते हो तो ये सारी आपका पास रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ से अब आप बेस्ट सप्लायर जो है वो चूज़ कर सकते हो। अलीबाबा का क्राइटेरिया भी आपको एक्सप्लेन पहले कर दिया, उस क्राइटेरिया को अप्लाई करते हुए आप यहाँ पर सारी सर्च करोगे, अपने लिए एक बेस्ट सप्लायर जो है वो आप फाइंड आउट कर। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ यू डू प्रोडक्ट, बेसिकली ये सारा वो क्राइटेरिया था जो आपने फॉलो करना है अगर आप मिडिल ईस्ट मार्केट में जाना चाहते। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं, जो कि आपके बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से निकाल कर डिजिटल बिजनेस की दुनिया में ला सकती है और आपके काम को डिजिटलाइज कर सकती है। हम हर तरह की वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, SEO, WordPress डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसल्टेंसी या वर्चुअल सर्विस चाहिए तो आज ही रब्ता कीजिए व्हाट्सएप 00971-565-499-494 या ईमेल कीजिए info@thewefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।